हेलो एवरीवन, मैं हूँ लखवीर सिंह और आज की मेरी वीडियो रहने वाली है ये डेल के एक सर्वर के रिलेटेड। मेरे पास ये सर्वर है और जब मैं इसको बूट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे सामने एरर आ रहा है, नो बूटेबल डिवाइस फाउंड। तो ये एरर आता क्यों है और किस लिए आता है, इसका सॉल्यूशन के मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली ये जो एरर है, जो हमारा मदरबोर्ड है इस सिस्टम का, वो हमारी हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है या फिर हार्ड डिस्क के किसी सेक्टर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, यहाँ से इसको बूट होना है। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो हम ट्रबल शूटिंग ही शुरू करेंगे। ट्रबल शूटिंग आपको करनी ही कैसे है, मैं ट्रबल शूटिंग इसलिए कर रहा हूँ, मैं सीधा उस एरर पर भी जा सकता हूँ जो एक्चुअल में इससे आ रहा है, लेकिन इससे आपके एरर कई बार ऐसे सॉल्व नहीं होते हैं, आपके केस में आपका कोई और एरर होता है, इसलिए मैं आपको सोल्यूशन प्रॉपरली बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको अपने सर्वर पे चले जाना है, सर्वर को आपको खोल लेना है। आपके केस में लैपटॉप भी हो सकता है या फिर कोई नॉर्मल मशीन भी हो सकती है, मेरे केस में ये वाली मेरी मशीन है, मैंने मशीन को फ़िलहाल खोल लिया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ़ैन वगैरह सब चल रहा है। ये मेरे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क है जो कि यहाँ पे प्लग इन है, हालांकि इसमें दो बैकअप वाली भी है, एक बैकअप है और एक प्राइमरी है, फिलहाल मेरी जो इससे चल रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, आपकी हार्ड डिस्क को एक बार हाथ लगा के चेक करना है कि वो एक्चुअल में वाइब्रेट कर रही है या नहीं। इन केस अगर आपकी हार्ड डिस्क जो है वो वाइब्रेट कर रही है, इसका मतलब कि आपकी हार्ड डिस्क ओके है। ये पहला स्टेप आपका हो गया कि आपकी हार्ड डिस्क चल रही है, और मेक श्योर करना है कि आपका अगर डेस्कटॉप है तो ये जो साटा केबल है ये कहीं से क्रैक वगैरह ना हो और अनप्लग्ड ना हो, बस आपको सिस्टम पे इतना ही चेक करना है। आपके केस में अगर लैपटॉप है तो आपका भी सेम ही प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद हमें आ जाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आप यहाँ पे अगर देख पाओगे तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं F1, F2, F5। आपको अभी करना है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट डिलीट। तो जैसे मैंने कंट्रोल अल्ट डिलीट किया, मुझे F12 की, अपने अगर डेल का अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको F12 की बार बार दबानी है और उसके पास आपके सामने सेम इंटरफेस खुल जाएगा, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, F1 दबा देना है। जैसे ही आप F1 दबाओगे उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको नीचे जाना है और बायो सेटअप पे चले जाना है। तो बेसिकली ये एरर कहाँ पे है, हमारा बायोस में है, तो वहीं से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर आपका हार्डवेयर एरर नहीं है, जो कि पहले मैंने आपको बता दिया कि हार्ड डिस्क चेक करनी है, अगर नहीं है तो उसके बाद आपको इस स्टेप पे जाना है। इन केस अगर आपकी हार्ड डिस्क ही नहीं चल रही है तो वो तो आपकी हार्ड डिस्क ही चेंज होगी, या फिर एक बार प्लग इन प्लग आउट करके, या उसके जो कनेक्टर्स हैं, ये वाले कनेक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे, आपको इसको साफ़ करके एक बार प्लग इन करके देखना है, अगर चल पड़ेगी तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको चेंज करवानी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल जो मेरे इस वाले सिस्टम का एरर है वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ मैं माउस चला सकता हूँ इस वाले बायोस में। तो अब जो मेरे एरर हैं वो सॉल्व कैसे करना है, मैंने बूट वाला बूट सिक्वेंस में चेक करना है कि ये वाले मेरे चेक होना चाहिए और यहाँ पे UEFI होना चाहिए, और उसके अलावा एडवांस बूट में आप जहाँ से चेक करोगे यहाँ पे ये वाला लिगेसी जो ऑप्शन है वो ऑन होना चाहिए, लिगेसी भी ऑन होना चाहिए। जैसे लिगेसी वाला ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है, अब इसको करना कुछ नहीं है, मुझे अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। कारण क्या है इसके अनचेक होने का, वो कारण है इसकी जो सीमोस बैटरी है, इस वाले सिस्टम की जो सीमोस बैटरी है आप देख पा रहे होंगे सामने, वो डेड हो चुकी है, जिसकी वजह से कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला गया है मेरा वाला सिस्टम। जबकि मैंने जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था इसके ऊपर तो तब जो सेटिंग थी वो थी ये चेक्ड वाली ही थी, अब अनचेक पे चला गया था। अब मुझे मैंने अप्लाई कर दिया है, एक बार मुझे कर देना है एक्सिट। एग्जिट करने के बाद जो मेरा सिस्टम है फिर से एक बार बूट होगा। अब चेक करते हैं एक बार, अगर सेम एरर आता है तो आगे फर्दर जो स्टेप है वो हम लेंगे इसके ऊपर। तो अब मेरे सामने ये वाला इंटरफेस खुल गया है, जबकि अभी नो बूटेबल डिवाइस मेरा एरर नहीं आ रहा है, मुझे F1 कर देना है एक बार। आपके केस में ये भी हो सकता है कि ये सीधा ही बूट हो जाए। फिलहाल मेरा ये अभी अभी भी एरर गया नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे कर देना है F2 की। और ये चला गया है, फिर से एक बार बायोस में एडवांस सेटिंग में चेक करना है, और यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो है वो मैंने चेक नहीं किया था, इसलिए इस बार एक बार फिर से इसको चेक कर लेता हूँ। आपके केस में भी आपको ये वाला चेक बॉक्स, दोनों के बॉक्स चेक करने हैं। अगर पहली बार में ना हो तो आपको एक बार फिर से बायोस को बूट करके अप्लाई करके एक बार फिर से अप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पर फिर से एग्जिट कर रहा हूँ, अब चेक करते हैं कि अभी मेरा जो सिस्टम है वो बूट एक्चुअल में होता है या नहीं।
अभी एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन F1 दबा के एक बार चेक करते हैं। सो जो मेरा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम था वो अभी बूट होने लग पड़ा है इस वाले सिस्टम से। इतना ही था एरर, आगे भी आपको ऐसी वीडियोस के लिए। सो मेरा जो सर्वर है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बूट होने लग पड़ा है। अब एक स्टेप के बाद, एक दो सेकंड के बाद ये बूट हो जाएगा। इतनी ही थी हमारी आज की वीडियो। आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई एरर आता है या इसी के रिलेटेड आगे कोई फर्दर एरर आता है, आपको नहीं पता चलता, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी कोई भी टेक्निकल हेल्प वहाँ पर कर दूँगा, रिप्लाई वगैरह कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।